बाराबंकी सिरोली गौसपुर योगी सरकार करोड़ों रुपए की लागत से बनी गौशाला को खुली पोल। आपको बता चले तहसील सिरोली गैजपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत हजरतपुर गौशाला में मार जाने जानवरों की सूचना पर भाजपा महिला मोर्चा के नेता ज्योति गुप्ता के सैकड़ों समर्थक के साथ पहुंचे गौशाला। आपको बताया चले कि यहां पर ही गौशाला के तमाम मवेशियों के अवशेष पाए और कई मवेशियों की हालत बहुत गंभीर देखी गई है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा है। यहां पर ज्योति गुप्ता की सूचना पर पहुंचे रजिस्टर्ड कानून गौ सीतापुर के साथ इसी तरह पहुंचे मौके पर ही जांच बताई जा रही है। तस्वीरें में आपको दिखाया जा देख भी सकते हैं। इतना ही नहीं ग्रामीणों ने कहा कि मवेशियों को सिर्फ यहाँ पर सूखा भूखा दिया जाता है और गांव में काफी ज्यादा बदबू आती रहती है। जिलाधिकारी निर्देश पर उप जिलाधिकारी यहाँ पर सिरोली का स्कूल मौके पर पहुंचे और भाजपा नेत्री सहित ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया है। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं बाराबंकी से खास रिपोर्ट राशि सिद्दीकी की। पांच जानवर जो है मरणासन्न पाए गए हैं। एक मृतक है, दो मृतक है, एक घायल है और तमाम जो है यहाँ नाले में मूंदे पाए गए हैं। लगभग कितने जानवर हैं पीछे मुंदे? अरे लगभग कम से कम 30-35 जानवर हैं। अब इसको जो है ये रिपोर्ट हम देंगे एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि सुबह इनके लोगों के खिलाफ FIR होगी। किसके खिलाफ? कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और जो इसका मेन मुखिया है सर? हाँ वही मेन मुखिया खिलाफ भाई। और इसका अध्यक्ष है? अध्यक्ष और क्या कहते हैं जो सेक्रेटरी है जी जी, और चौकीदार खिलाफ जी, तीनों लोगों के खिलाफ FIR होगी। पूरा जब हम लोग मौके पर आए तो देखा इतने जानवर मरे पड़े हैं, बीमार पड़े हैं इस तरीके से, किसी की कौवा आंखें नोच ले गए हैं। और वहां पर इतने हमको लगता है 150-200 जो है जानवर तो वहीं के अंदर दफना दिए गए हैं। कुछ जानवर ऐसे जिनको कौवा खोद रहे थे मौके पर आए हैं, और कुछ जानवर कुत्ता और केवल भूसा खिला रहे हैं, सूखा भूसा। यहाँ तक पानी की तक व्यवस्था नहीं है इस जो है चारागाह में कि कोई व्यवस्था हो। कौन सी गौशाला है ये? गौशाला हजरतपुर ग्राम पंचायत में लग रही है सिरोली और सिरोली गौसपुर तहसील सिरोली गौसपुर और हजरतपुर के ग्राम पंचायत में ये गौशाला लग रही है। लगभग कितने भी जानवर यहाँ मरे हुए हैं? लगभग हमको लगता है कि 6-7 जानवर मरे पड़े हैं। बाकी हमको लगता है 25-30 जानवर ऐसे हैं जो बीमार, जो एकदम मरने की स्थिति में है। आपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया है क्या? हाँ, DM को मैंने फोन किया है, इसके बाद SDM को मैंने फोन किया है, दोनों लोगों को मैंने अवगत कराया है इस मौके पर, और सांसद जी को भी फोन किया है मैंने अवगत, यहाँ तक सभी अधिकारी और नेतागढ़ को अवगत करा दिया है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस